जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआरडी फिजिक्स। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड उसके रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस ईयर नीट एंड जेई का प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है? तो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है sn इक्वल टू u प्लस a बाय 2 होल इनटू 2l माइनस 1। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। a एक्सीलरेशन। s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो लास्ट वाला इक्वेशन से sn का, इसका मीनिंग क्या है? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर सेकंड। पर्टिकुलर सेकंड में मतलब क्या है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, ये ऐसे क्वेश्चन में पूछा होगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो ये वाला इक्वेशन यूज करना है। एंड और एक बात है, इक्वेशन ऑफ मोशन कहां यूज करना है? जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। क्या दिया रहेगा? कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन इक्वल टू सपोज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दिया रहा है कि अंडर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, ए बॉडी इज मूविंग अंडर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन से कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। ठीक है, अगर ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आप जानना चाहते हैं, ये कैसे हुआ जानना चाहते हैं, आपका क्यूरियोसिटी है, तो मेरा पिछला वाला लेक्चर जाके देखिए, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना बच्चा लोग, आप लोग को पता नहीं चलता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ यूज करना है एंड कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करना है, ये ज्यादातर बच्चे का यही दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे एंड आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया? ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। इफ द मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड टू दैट एन एच सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। तो कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन मतलब क्या है कि हमको यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। नेक्स्ट दिया है इफ द मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमको क्या पता चला? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो। अगर बॉडी रेस्ट से मोशन स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड टू दैट इन एन एच सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है? एन एच सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड बाय डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड का रेशियो दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है? रेशियो दिया है। तो रेशियो फाइंड करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, ये फाइंड होना जरूरी है, इसको फाइंड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो हम तभी निकाल पाए। तो ऐसे यहां से क्या पता चल रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड पूछा है, मतलब टाइम कितना दिया? एन सेकेंड। ठीक है, चलिए शुरू करते। तो एस का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? जीरो प्लस हाफ ए
टी के जगह कितना दिया है एन सेकंड, तो सब्स्टिट्यूट किया ए एन स्क्वायर, तो हाफ ए एन स्क्वायर बन गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एन एस सेकंड, क्या फॉर्मूला है, यू प्लस ए बाई टू होल इनटू टू एन माइनस वन। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन। ठीक है, तो कितना बन गया, ए बाय टू होल इनटू टू एन माइनस वन। तो अभी क्या निकालना है, रेशियो एस एन बाई एस एन एच, रेशियो कितना है, हाफ ए एन स्क्वायर बाय ए बाय टू होल इंटू टू एन माइनस वन। तो देख सकते हैं वन बाय टू से वन बाय टू कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एन स्क्वायर बाय टू एन माइनस वन। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे अप्रोच सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, कौन सा क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पार्टिकल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन इफ एस एन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट फ्रॉम टाइम टी इक्वल टू एन माइनस वन सेकेंड टू टी इक्वल टू एन सेकेंड, द रेशियो ऑफ एस एन बाई एस एन प्लस वन। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पार्टिकल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। तो मैंने यहाँ एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया, तो ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, तो पार्टिकल यहां से यू वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइड कर रहा है मतलब हम इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे, मतलब कोई भी फोर्स नहीं दे रहे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो एक्सेलरेशन को ए ले लेते हैं। तो क्या पूछा है, इफ एस एन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट फ्रॉम टाइम टी एन माइनस वन सेकेंड टू टी एन सेकेंड, देन द रेशियो ऑफ एस एन बाई एस एन प्लस वन, मतलब हमको एस एन बाई एस एन प्लस वन का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम एस एन निकालेंगे, उसके बाद एस एन प्लस वन निकाल। ठीक है, तो एस एन का इक्वेशन कितना है, यू प्लस ए बाई टू होल इंटू टू एन माइनस वन। तो बॉडी स्लाइड कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, जीरो, तो एस एन कितना हो जाएगा, जीरो प्लस ए बाई टू होल इंटू टू एन माइनस वन, तो दिस बिकम्स ए बाई टू होल इंटू टू एन माइनस वन, ये एस एन बन गया। अभी क्या निकालेंगे, एस एन प्लस वन, एस एन प्लस वन निकालें, तो एस एन प्लस वन यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड एन के जगह क्या डालेंगे, एन प्लस वन। देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और मैं इतना तक लूंगा ही नहीं, यही से स्टार्ट करूंगा, तो कितना हो गया, ए बाई टू होल इंटू टू एन, एन के जगह क्या डालेंगे, एन के जगह क्या है यहाँ, एन प्लस वन, तो ये एन प्लस वन डाल दे माइनस वन, तो ये कितना बन गया, ए बाई टू टू एन प्लस टू माइनस वन, ए बाई टू होल इंटू टू एन माइनस वन, इतना बन गया। अभी रेशियो निकालना है, एस एन बाई एस एन प्लस वन, एस एन का फॉर्मूला कितना है, ए बाई टू होल इंटू टू एन माइनस वन बाई ए बाई टू, सॉरी यहां गड़बड़ हो गया, टू एन माइनस टू माइनस वन, ये प्लस वन होगा, टू एन प्लस वन। ठीक है, तो ये ए बाई टू कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया रेशियो, टू एन माइनस वन बाई टू एन प्लस वन। यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ऐसे ऐसे मिस्टेक भी होता रहता है, तो आपका भी हो सकता है, थोड़ा अच्छे से देखिए। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं एंड ये क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है,
पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। तो पहले हमको क्या पता चला क्वेश्चन में, क्या दिया है, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट। इट ट्रेवल्स 15 मीटर इन थर्ड सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड कितना है 15 मीटर, एंड 31 मीटर इन सेवेंथ सेकेंड, एस सेवेंथ इक्वल टू कितना है 31 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन सेवेंथ सेकेंड इक्वल टू 31 मीटर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। तो हमको क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है एंड कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन जो है उसको फाइंड करना है। तो ये क्या दिया है, देखो एस थर्ड एस सेवेंथ, इसका मतलब क्या है, एसेंथ इक्वेशन दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर सेकेंड दिया है। तो एसेंथ का इक्वेशन क्या दिया है, तो एसेंथ का इक्वेशन क्या है, यू प्लस ए बाई टू होल इंटू टू एन माइनस, एस थर्ड कितना हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू टू एन की जगह क्या डालेंगे थ्री, एन की जगह क्या डालेंगे थ्री माइनस वन। तो डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड का कितना दिया है 15, तो 15 u प्लस ए बाई टू और इंटू टू इंटू थ्री सिक्स माइनस वन कितना होगा फाइव। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन वन। फिर डिस्प्लेसमेंट इन सेवन सेकेंड क्या दिया है, u प्लस ए बाई टू सेवन, मतलब कितना दिया है n इक्वल टू सेवन, सेवन माइनस वन। एस सेवन का फॉर्मूला, एस सेवन का वैल्यू कितना दिया है 31, 31 इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू 13 इक्वेशन। अभी हमको दोनों इक्वेशन मिल गया, तो हमको क्या फाइंड करना है, u एंड a। तो इसको देखिए u एंड a ये इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 31 इक्वल टू यू प्लस 13 ए बाई टू, और एक इक्वेशन कितना है 15 प्लस यू, 15 इक्वल टू यू प्लस 5 ए बाई, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 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 कर दें, तो ये कितना बचा 16, यू यू कैंसल हो गया, 13 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 ए बाई टू, तो कितना हो गया 4 ए इक्वल टू 16, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 बाई 4, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको एक्सीलरेशन मिल गया। तो ये जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है उसको लेके कोई दोनों में से कोई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा। तो पहला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 15 इक्वल टू यू प्लस 5 ए बाई, तो 15 को 15 रहने देंगे, u को u रहने देंगे, प्लस 5 एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है 4 इंटू टू 2, तो ये कितना हो गया 15 इक्वल टू यू प्लस 10, तो u इक्वल टू कितना हो गया 15 माइनस 10, तो कितना हो गया 5 मीटर पर। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहाँ एसएनथ इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करना है एंड कहाँ एस का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, जय जगन्नाथ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।